फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अड़ू वड़े, वो भी नागपुरी तरीके से। तो चलिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं देखते हैं। अड़ू वड़े का पत्ता है, इस तरह का डार्क ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा थिक होता है। तो इसे हम कैसे बनाते हैं? इसे हम, ये बीच वाला डंडी है, इसे निकाल देंगे। तरीके से निकाल के इसे चार पीसेस में कर देंगे इस तरह। इसके भी दो कर देंगे। इस तरह हम, ये हमने बाकी के इस तरह करके लिए हैं। अभी इसका बैटर बनाते हैं। हमने बेसन लिया है 2 कटोरी, उसमें अदरक लहसुन और जीरा मिक्सी में मिक्स करके लिया है। इसमें 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और स्वादानुसार नमक डालेंगे। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। हमारा बैटर इस तरह गाढ़ा होना चाहिए, इस तरह जैसे हम भजिया तलते हैं उससे थोड़ा गाढ़ा, इस तरह। अभी ये पत्ता लिया है, इस तरह इसे लगाना है, फोल्ड करते जाना है। इस तरह इसे लगा के रख देना है। ये बाकी के सब मैं करके रखती हूँ और तेल गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ कि नहीं। हाँ, हो गया है। अभी एक एक करके देखिए, ऐसे इस तरह सारी हमारी बड़ी हो जानी चाहिए। अच्छे से फूल जाती है। आराम आराम से करना, क्योंकि अंदर का भी बेसन हमारा पक जाना चाहिए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सिंपल है, इजी है, आराम से कोई भी कर सकता है। अभी ये हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है।
अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ, किसी भी टिश्यू पेपर में आप इसे निकाल लीजिए। आप इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये बाकी की भी मैं तल लेती हूँ। अभी ये भी हो गए, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं थोड़े से इस पे ऊपर तिल डाल रही हूँ। ये नागपुर की ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।